सब बातें अच्छी थी मेरे बेटे की मेरे साथ, ज्यादा प्यार बहन भाइयों के साथ, मेरे साथ अपने अब्बू के साथ ज्यादा प्यार था उसका। बस शाम होती है ना उसकी याद ज्यादा आती है मुझे, और मेरे ख्याल में भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा, जालमों ने ऐसे हमारे साथ कर दिया। बहुत ज्यादा मैं दुखी अपने बेटे का, हमें इंसाफ चाहिए बस। इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुँची है कि उनको बेगुनाह करने में, साबित करने में मसरूफ है बस। अस्सलाम वालेकुम, एसपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, थाना हरबंसपुरा की हदूद में मुकदमा नंबर 30/23 दर्ज होता है, जिसके मुताबिक मुलजमान जो कि एक बेकसूर लड़के को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को बोरी के अंदर बांध करके उसके घर के बाहर फेंक जाते हैं। अभी मेरे साथ जो कि मकतूल के अहले खाना मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं मामला क्या हुआ और किस तरह बड़ी बेदर्दी के साथ इनके बेटे को कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल क्या नाम है? बिशारत अली। क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ, खुदाई का काम करता हूँ। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? बस घर का गुजारा चल जाता है। घर आपका अपना है? हाँ जी। ठीक है, कितने बेटे हैं? चार बेटे मेरे। क्या क्या करते हैं? कुछ दुकानों पे काम करते हैं, तो कुछ ये काम करता था, स्त्रियों का काम करता था। ठीक है, स्त्रियों का काम करता था। क्या मामला हुआ? मकतूल जो बेटा आपका कत्ल हुआ उसका नाम क्या है? शिराज, शिराज अली नाम था उसका। शिराज का उठना बैठना कैसा था दोस्तों? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दोस्त नहीं थे उसके कोई भी, दोस्त कोई नहीं, ना कोई दुश्मन था, बस घर में अपने मसरूफ रहता था। ठीक है, तो क्या हुआ, कैसे कत्ल किया गया, क्या वजह थी? किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है बेटा, बस बाहर गया है तो अगले दिन हमें इतवार को गया है, पीर को हमें पता चलता है, पुलिस बताती है कि आपका बेटा, बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया है और बोरी बंद लाश मिली है उसकी, लाल पुल से। अच्छा, वो घर के सामने भी नहीं थी? नहीं नहीं, वो लाल पुल एक दो किलोमीटर दूर है हमारे से। ठीक है जी। हरबंसपुर, इससे पहले आपके रिश्तेदारों में कहीं किसी के साथ कोई दुश्मनी हो जिसका अब उन्होंने बदला चुकाया हो? नहीं, कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं हमारी। ठीक है। अच्छा, शराज कितना कमा लेता? बस गुजारा करते थे ना वो बेटा, हाँ 20-25 हज़ार कमाता था महीने का। अब आप थाना कचहरियों में जा रहे हैं, कितना इंसाफ मिल रहा है? कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं क्यों नहीं, वो इनसे मिले हुए हैं, पता नहीं, दो लड़के मैंने पकड़वाए हैं शको शुबात पे। हाँ जी। ठीक है, तो वो तो इतने सवाल जवाब क्यों है जिनको पकड़ाया? किसी ने बताया है ना कि उनके साथ कुछ झगड़ा हुआ था इसका बाहर। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुँची है कि उनको बेगुनाह करने में, साबित करने में मसरूफ है बस। वालिदा अभी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हाँ जी, ये बताएं कि शहराज की शादी हुई हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई अभी उसकी, तीसरे माह में शादी का प्लान था भी? हाँ जी, हम तैयारियां कर रहे थे शादी की, तीसरे माह में शादी थी इनकी। हाँ जी, जिस घर में खुशियाँ आनी थी, गहमा गहमी होनी थी, रंगीनियाँ होनी थी, उस घर में उस खुशियों को मातम में बदला गया, तो आज आप पर क्या क्यामत गुजर रही? क्यामत जैसी क्यामत गुजर रही है। मैं बहुत ज़्यादा मैं दुखी अपने बेटे का, हमें इंसाफ चाहिए बस। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा बेदर्दी से मारा है, बोरी बंद लाश फेंकी है, फिर बहुत जुल्म किया। आपने तो अपना लखते जिगर यहाँ से सुबह सवेरे नाश्ता करवा के भेजा था एक ठीक ठाक हालत में, तो जब बोरी बंद लाश मिलती है अपने उस लखते जिगर की, तो माँ जी आप पर क्या गुजरती है? मुझे पता है, होश ही नहीं थी, मैं कहाँ थी दुकान में जब वो मैं खबर मिली है, कुछ भी नहीं पता चला क्या हुआ है हमारे साथ, क्या नहीं हुआ। बहुत दुख है हमें, मैं कह रही हूँ मैं खाना पीना भूला हुआ है उस दिन रात का, हम सब हम फैमिली बहुत परेशान है, हमें बस इंसाफ चाहिए, जो मुजरम पकड़ाए हैं उसे वो छूटने नहीं चाहिए बस, हमें इंसाफ। शहराज की मौत से पहले किस तरह की बातें करता था माँ के साथ? वो मेरे साथ बहुत अच्छी, बहन भाइयों के साथ ही बहुत अच्छी बातें करता, हंसता था, खेलता था हमारे साथ बहुत ज़्यादा। बस शाम होती है ना उसकी याद ज़्यादा आती है मुझे,
ये अच्छी आदत जो आज आप नहीं बोल रही अपने बेटे। सब बातें अच्छी थी मेरे बेटे की मेरे साथ, ज्यादा प्यार बहन भाइयों के साथ, मेरे साथ, अपने अब्बू के साथ ज्यादा ही प्यार था उसका। हमें उनकी बातें नहीं भूली जाती हमसे, रात को ज्यादा याद, शाम को ज्यादा याद आती है हमें। शाम को ज्यादा याद आने का क्या वजह है? वो हमारे साथ जब आता था भाई से हंसता खेलता था, बहन भाइयों के साथ सबके साथ, वो ही नहीं भूला जाता हमसे। जिन जालिमों ने ये किया है जुल्म, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हमें उसे बदवा देने चाहिए, बस जैसे हमारे साथ ही हुआ उसके, इससे भी बुरा उनके साथ होना चाहिए। सरेआम फांसी देनी चाहिए, बस पुलिस वाले को सरेआम फांसी देनी चाहिए। आप हमारे कानून के अदारों से, हमारे सीएम पंजाब से क्या मुतालबा करती है? ये मुतालबा करेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए, बस जैसे हमारे बेटे को मारा बेदर्दी से, सरेआम फांसी देनी चाहिए मुजरिमों को, बस ये हमें इंसाफ चाहिए। ये जो तस्वीर आपके हाथ में है, कितनी देर पहले बनवाई थी अपने बेटे के साथ की है? ये 8 दिन पहले की तस्वीर है मरने से। सोचा था कि ऐसे बेटा दूर हो? कभी भी नहीं सोचा हमने, हमारे ख्याल में भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। जालमों ने ऐसे हमारे साथ कर दिया, हमें तो पता ही नहीं था क्या होना था क्या होना नहीं। हंसी खेड़ी, मेरा बेटा घर से गया था, ये नहीं था हमें पता कि उसकी लाश हमें मिलनी है। हमें इंसाफ चाहिए बस। नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं कि इस माँ के दुख को, इस माँ के दर्द को किस तरह बयान कर सकूं। ये माँ शराज को सुबह सवेरे नाश्ता देकर भेजती थी और रात को उसका चेहरा देखकर इसके दिल को सुकून आता था, लेकिन आज ये माँ रात के अंधेरे में उस शराज की तस्वीर देखने से कासिर है। उसके चेहरे को देखने के लिए अभी इस माँ के सामने उसका लख्ते जिगर नहीं है, और ये कह रही है कि मेरे बेटे को बेकसूर कत्ल किया गया है। हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों से मुतालबा करती है, हमारे वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करती है कि खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए और मेरे बेटे के कातिलों को कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त, देखते रहें SPN न्यूज़।